एक टाइम पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा मोबाइल ब्रांड माने जाने वाला नोकिया आखिरकार फेल क्यों हो गया? इसके तीन मेन रीजंस। नंबर वन, नोकिया ने एंड्रॉइड पर स्विच करना सही नहीं समझा और अपने वही पुराने सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही फोन्स लॉन्च किए। लेकिन जहां एंड्रॉइड और iOS टाइम टू टाइम अपने वर्जन को अपडेट कर रहे थे, वहीं नोकिया अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेटेड नहीं रख पाया, जिससे लोग आईफोन्स और एंड्रॉइड फोन्स पर शिफ्ट हो गए। नंबर टू, जहां एप्पल और सैमसंग जैसे हर मोबाइल कंपनी टच स्क्रीन स्मार्टफोन्स लॉन्च कर रही थी, वहीं नोकिया अपने कीपैड फोन्स पर ही अटका रहा। नंबर थ्री, नोकिया ने मार्केट में इतनी ज्यादा सक्सेस देख ली थी कि उनको लग ही नहीं रहा था कि उनका भी मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर है, और इसी ओवर कॉन्फिडेंस और हवाबाजी के चक्कर में एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनीज आगे निकल गई, और इन्हीं सभी रीजंस के कारण नोकिया फेल हो गया। ऐसे ही और बिजनेस वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।